ब्लीच करने का अगर ये तरीका आप देख लोगे तो आपके फेस पर होगा बहुत ही सारा ग्लो। तो नए तरीके से मैं बताने वाली हूँ आपको ब्लीच, जिससे आपका फेस जो बहुत ही ग्लो हो जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं। यहाँ मैंने ब्लीच में एक्टिवेटर ऐड कर लिया है, जितना भी करते हैं नॉर्मल कॉमन सा। एंड यहाँ पर मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, और इसमें मैं एक्टिवेटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने कितना अमाउंट लिया है, ये एक फेस के लिए है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है तीनों चीज़ों को। एक्टिवेटर मैंने पहले ऐड किया, देन उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया। इसके बाद मैं ले रही हूँ गुलाब जल रोज़ वाटर, एंड एक ढक्कन मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ वाटर। एंड इसे भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, चारों चीज़ों को जो है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। जैसे आप नॉर्मल ब्लीच लगाते हैं वैसे ही हमें ये ब्लीच भी लगा लेनी है अपने बालों के डायरेक्शन में, एंड नोज अपर लिप्स के माउथ एरिया के चारों तरफ सबसे पहले ब्लीच करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर ब्लीच सबसे पहले लगाएं। एंड बालों के डायरेक्शन के जैसे बालों की डायरेक्शन होती है उसी वे में हमें ब्लीच लगानी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं फॉरहेड पर लगाऊंगी, पूरे फेस पर हमें ये ब्लीच लगा लेनी है। और आप जितना टाइम अपने फेस के अकॉर्डिंग, आप 10 मिनट रखते हैं, 15 मिनट रखते हैं, या कई लोग होते हैं जो 20 मिनट भी ब्लीच रखते हैं अपने फेस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच कर रहे हैं तो अपने अपर लिप्स की साइड से 10 या 15 मिनट में आप हटा कर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपकी हेयर जो है वो गोल्डन हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम में आपका पता चल जाता है आपके फेस पर कितना टाइम लेती है ब्लीच, देन उसके बाद आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपना फेस ब्लीच कर सकती हैं। तो मैं लेती हूँ 15 से 20 मिनट, मेरे फेस पर 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो मैं अपने नेक एरिया पर भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और यहाँ पर मैं फिर इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, अच्छे से अप्लाई कर लूँगी बिल्कुल गर्दन पर। आपको अगर ब्लीच आपकी ज़्यादा हो जाती है तो आप पीछे भी अपनी गर्दन के बैक साइड में कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद जो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा हटाकर दिखाया है, बहुत ही अच्छे से मेरी ब्लीच हो गई थी एंड स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत ग्लो हो गया था मेरा फेस, बहुत ग्लो कर रहा था। सो यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें ये वाला ब्लीच का तरीका, आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बाय।